ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को पहले ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है इसका, तो उसको डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को पिक्सआर्ट में ओपन करके ड्रॉ टूल में जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो पर क्लिक करके आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे ऐड कर लेने के बाद आप सभी कुछ इस टाइप से अपने मॉडल को साइड में कुछ इस टाइप से यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, जैसे कि आप सभी को मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। एंड आपको कुछ इस टाइप से साइज को जो है थोड़ा मतलब कि रखना है, इस हिसाब से कि मतलब कि आप ज़्यादा इसमें बड़े नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि आज जो तीन जने इसमें होने चाहिए, तो उसमें आप जो तीसरे जने होंगे उसमें यार ज़्यादा हाइट बड़ी होगी तो थोड़ी नकली सी फोटो लगेगी। तो ज़्यादा देखना कि साइज जितना ही रख पाओ जितना मैंने दिखाया आप सभी को। फिर उसके बाद आप सभी को एक कंप्यूटर लेयर बनानी है। इस लेयर को आपको मॉडल के नीचे ले जाना है अपने। एंड उसके बाद आप सभी को ब्रश पर क्लिक करना है। एंड जो उसका अमाउंट है उसका आप सभी को अराउंड 18 तक कुछ रख देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फोटो को जूम करके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे शेडो को क्रिएट कर लेना है। एंड गाइस, जो शेडो जो है हम मतलब कि शेडो जो है हम एक ही लेयर में नहीं बनाएंगे, हम लेयर दो तीन लेयर में बनाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा दो लेयर में बनाएंगे। बट यार शेडो हमें थोड़ी रियलिस्टिक से बनानी, तो उसके लिए दो लेयर तो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यार एक लेयर में क्या होता है ना कि ज़्यादा डार्क हो जाता है, एंड कहीं पर हमें ज़्यादा डार्क चाहिए होता है और कहीं पर हमें लो डार्क चाहिए होता है, तो इसलिए हमें दो तीन लेयर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो हमारी पहले लेयर की जो है हमारे यहाँ पे तो शेडो बन चुकी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इम्प्रिंटेड लेयर बनाएंगे एंड इस लेयर को रखेंगे अपने मॉडल के ऊपर। एंड गाइस, उसके बाद जो है हम यहाँ पे ब्रश का जो मतलब कि साइज़ वगैरह है उसको हम थोड़ा अमाउंट वगैरह जो कम करेंगे अराउंड कुछ 5 तक रख देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आपसे कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है, ठीक है, जैसे कि मतलब कि ये हो जाएगा कि आपके जो शेडो बनाई है अभी आपने जो पहली लेयर की उसकी शेडो और जो आपके कपड़े की शेडो दोनों मैच हो जाएंगी, ठीक है। तो आपसे कुछ इस टाइप से शेडो क्रिएट कर लेना अच्छे तरीके से बिल्कुल। एंड शेडो बना लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को कुछ इस तरीके से शेडो बना लेनी है एंड आपको पूरी बॉडी पे कुछ ऐसे पेंट कर देना। एंड देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी एकदम जबरदस्त शेडो बन चुकी है। तो गाइस, मैं आप सभी को ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, तो देखिए गाइस, है ना गाइस, कितना फर्क आया है। तो ये गाइस ये देखिए, ये वाली शेडो तो बहुत फर्क आया है। तो गाइस, आप सभी को कुछ इसी टाइप से शेडो बनानी है। जो नीचे वाली लेयर है इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम डन करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से बैक चलते हैं। एंड उसके बाद आप सभी को गाइस अब क्या करना है, आप सभी को जाना है यहाँ से, जो आप सभी को यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को मैं एक विगनेट का पीएनजी दूंगा, तो आप सभी को इस विगनेट के पीएनजी को यूज़ करना है यहाँ पे। इससे क्या होगा ना कि गाइस, जो हमारे जो ये विगनेट तो हम वहाँ से लाइट रूम ऐप से भी डाल सकते थे, बट हमने मैंने पीएनजी आप सभी को इसलिए दिया क्योंकि यार वो ना आप लोग मतलब काफ़ी मतलब लोगों से हो नहीं पाता उससे, तो मैंने पीएनजी आप सभी के लिए बनाया। जब आप सभी को सिंपली जाना है टूल्स में, फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद जब फोटो का एक्सपोजर आप सभी को ऊपर तरफ बढ़ा देना है, इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करके ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा करके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को शाइनिंग इफेक्ट डालने हैं अपनी टी शर्ट के ऊपर। ये शाइनिंग इफेक्ट हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारे दो बाकी जो मॉडल हैं उनके ऊपर भी ये शाइनिंग इफेक्ट है, तो इसलिए मैंने आप सभी को इफेक्ट डालने के लिए बोला है। एंड इससे क्या होता है यार, इस इफेक्ट से ना काफ़ी फोटो अमेजिंग लगती है एंड एक नेक्स्ट लेवल लुक आता है फोटो में। तो गाइस, ये इफेक्ट आप सभी को जरूर डालना चाहिए। एंड यहाँ पे जो कुछ एरिया रहेगा तो मैं इसको पहले यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। एंड गाइस, इसका अमाउंट जो है आप बढ़ा कर रख सकते हो अराउंड कुछ 6 तक कुछ बढ़ा देना। एंड उसके बाद थोड़ा सा एरिया यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले, तो ठीक है, यहाँ पे फोटो जूम करके यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से डन करके एंड यहाँ से डन कर देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर जाना ब्यूटी वाले ऑप्शन में एंड फोटो को थोड़ा स्मूथ करना है मतलब कि फेस को, तो उसके बाद स्मूथ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंड उसके हिसाब से हम फोटो को जूम करें कुछ इस तरीके से, फेस को हम थोड़ा स्मूथ करेंगे। तो फेस को स्मूथ करना भी यार काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यार फेस अच्छा लगना चाहिए ना फोटो में। तो ये हम इतना कर लेने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे डन कर देना है। एंड गाइस, अब आप सभी को जाना है ऐसे टूल्स में, फिर एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को जो फोटो का ब्राइटनेस ऊपर इधर बढ़ा देना है, रिजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देना है, ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा करके एंड फेस के ऊपर आप सभी को सिंपली इस तरीके से डोजन बन करना है। ये गाइस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार अगर कपड़े के ऊपर अच्छा लगता है तो यार आप सभी को सोच सकते हैं यार फेस के ऊपर इतना अच्छा लगता होगा, तो कुछ इस टाइप से आप सभी को कर लेना है। एंड इसका जो अमाउंट है इसको अराउंड को 7 तक रख लेना है, यहाँ पर डन कर देना है। एंड इतना कर लेने के बाद आप सभी को अब इसमें करनी थोड़ी सी कलर करेक्शन, तो यहाँ पर हम फोटो कर लेंगे सेव। एंड यहाँ से चलते हम सिंपली सीधा लाइट रूम ऐप के अंदर, यहाँ से हम बैक चलेंगे, यहाँ से हम लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेंगे। एंड गाइस, आप सभी से यार बस मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ, जब तक हमारा लाइटरूम ऐप ओपन हो रहा है एंड यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया होता यार, प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार आप सभी के लिए यार मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत जल्दी ट्यूटोरियल ला दूँ एंड आप सभी को ज़्यादा वेट ना कराऊँ, तो इसलिए यार मैं आप सभी के लिए ना एकदम जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल ला कर दे देता हूँ। तो यार प्लीज़ यार उस मोटिवेशन के लिए यार मेरे को एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड यार आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, आप सभी को यहाँ पे इस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट है इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है, शेडो जो है इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड व्हाइट है जो इसको आपको थोड़ा बढ़ा देना है, एंड जो ब्लैक है इसको आपको कम कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी फिर जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, फिर उसका जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आप सबको मिक्स में ओरिजिनल को सिलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड जो लुमिनस है आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, ताकि जो फोटो में ब्राइट वगैरह आ जाए।
एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से जाना है इसमें येलो कलर में सॉरी ब्लू कलर में, एंड इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है क्योंकि जो पैंट है उसका कलर कुछ ज़्यादा ही ब्राइट है, तो उसका हम सैचुरेशन यहाँ पर कम कर लेंगे। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है येलो कलर में इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से डन करके एंड उसके बाद आप सभी को इतने कलर से बगल में 3 पॉइंट दिख रहा है इसमें जाना है। एंड जिसका टोन है जो का जिसको शेडो का टोन जिसको आपको ब्लू टोन में ले जाना है ठीक है। एंड उसके बाद जाओगे आप मिड टोन में तो क्या जिसको भी आप सभी को ब्लू टोन में ही ले जाना है ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को बचता हाईलाइट्स इसको भी आप सभी को ब्लू टोन में ले जाना है ताकि क्योंकि हमें ये फोटो ही ब्लू टोन में बनानी है। तो इतना कर देने बाद आप सभी को कलर्स के नीचे वाले टूल में जाना है एंड फोटो की जो क्लियरिटी इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो फोटो में विग्नेट है वो तो डालना है क्योंकि यार विग्नेट से अलग ही फोटो अच्छी लगती है तो विग्नेट डालना है। एंड उसके बाद ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो नॉइस रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नोड रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देना है ठीक है। तो कलर नोड रिडक्शन भी बढ़ा देना है। एंड गाइस यहाँ पे जो है फाइनली हमारी फोटो का रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो गाइस यहाँ पे मैं आप सभी को बिफोर एंड आफ्टर दिखाना चाहूँगा। तो गाइस ये है हमारा फोटो बिफोर एंड आफ्टर ठीक है गाइस। तो ये बिफोर एंड आफ्टर ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है। आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मैंने आप सभी के लिए एंड स्क्रीन में ये दो वीडियो लगा रखी है यार ठीक है। तो ये वीडियो भी मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई थी। अगर यार आप वीडियो देखने बाद अगर थोड़े से भी फ्री हो तो प्लीज़ यार इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर भी क्लिक करके आप प्लीज़ यार एक वीडियो को वॉच करो। एंड अगर आप चाहते हो मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हो यार चैनल के लोगों पर क्लिक करके आप जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हो। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।